मेरा नाम आबिद खान है. मैंने अभी प्लस वन में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और मेरा सिलेक्शन हो गया. मैं केवी हिसार कैंट का हूँ और मैं सोचता हूँ कि हर बंदा आजकल साइंस को प्रमोट कर रहा है, जो कि एक तरह से गलत है. सबकी अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है. सबको कॉमर्स को देख लीजिए आप, चाहे आर्ट्स को ले लीजिए, सबकी अपनी एक अलग जगह है. अगर एक भी मेंबर हमारी सोसाइटी का अलग रहेगा तो वो गलत होगा मेरे नज़रिए से. तो मैं सोचता हूँ कि सबकी अलग अलग अपनी इम्पोर्टेंस है और सबको अपना आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए पूरी तरह से. तो मतलब आप यहाँ क्या सोच के आए इस सेमिनार में? जो बिज़नेस कॉमर्स पढ़ोगे तो बनोगे बिजनेस गुरु, जो PPU द्वारा आयोजित है और मिस्टर रविंदर सैनी जो कि एक रिनाउंड करियर गुरु हैं वो यहाँ आज मेन स्पीकर हैं. तो क्या सोच के आप यहाँ पर आए? सर, यहाँ मैं अपने करियर के लिए ये जानने आया हूँ कि मैं कॉमर्स में क्या क्या कर सकता हूँ और कॉमर्स मेरी ज़िंदगी को कितना बदल सकती है. वैसे मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बलबूते पे कुछ करूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं कॉमर्स लेकर आगे बढ़ूँ. प्रॉपर गाइडेंस लेने आए हैं? यस सर. और क्या संदेश देना चाहेंगे कॉमर्स के स्टूडेंट्स को? सर, मैं तो बस ये कहूँगा, वो वैसे भी मुझसे सारे बड़े हैं, सीनियर्स हैं मेरे, मैं उनको क्या गाइडेंस दूँ. मैं तो बस ये कहूँगा कि सब अपनी जगह पूरी मेहनत करें, पूरी लगन से पढ़ें, उतना ही फ़ायदा होगा जितना आप पढ़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. चलिए, ओके, हाथ नीचे करिए. फ्रॉम ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स, रेज योर हैंड्स क्विकली. हाउ मेनी आर 10 प्लस 2 आर्ट्स? ओके, स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉन मेडिकल और मेडिकल बैकग्राउंड, रेज योर हैंड्स प्लीज. ओके, सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग हियर आर कॉमर्स बैकग्राउंड. हालांकि ये सेमिनार और वर्कशॉप केवल कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए आयोजित की गई थी, बट स्टिल आई वांटेड टू नो सो दैट I can answer everybody's queries. So even before I begin, okay, screen आपको दिखाई दे रही है? Well, the answer is yes or no. I'm not getting it, so that we can address. No. Can you put something on?